अगर आप सी यानी कि सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल की, की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने मॉड्यूल्स की प्रायोरिटी को सेट करेंगे किस तरह से आप तैयारी शुरू करेंगे सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की तो फ्रेंड्स वेलकम टू द लर्निंग सेशन सीसी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट है इसलिए जरूरी बन जाता है कि हम प्रायोरिटी वाइज स्टडी करें मॉड्यूल्स को एंड फर्दर चैप्टर्स को तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तो मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपके सामने यहां पर चार्ट अवेलेबल है अगर हम हंड्रेड मार्क्स वाइज देखें तो यहां पर ट्वेंटी एट परसेंट तक का जो आपको कवरेज मिलेगा वो मॉड्यूल डी से मिलने वाला है डेट मेक्स मॉड्यूल डी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन सीसीपी ओके एंड उसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द मॉड्यूल सी ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी एंड आफ्टर दैट इट इज मॉड्यूल ई विद ट्वेंटी बी दैट दिन परसेंट एंड इसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द मॉड्यूल ए विद विदेंट तो मॉड्यूल वाइज कैटेगराइजेशन क्यों जरूरी है क्योंकि अगर आप मैकमिलन का बुक फॉलो करने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें आठ सौ पेजेस की बुक है तो बहुत ज्यादा एक लेंथी प्रोसेस है इन बुक्स को गो थ्रू करना सो so, वीडियो ये भी जानेंगे कि किस तरह से आपको स्टडी करना है एक स्मार्ट uh, वे में लेकिन फर्दर हम यहां पर बात करें रिगार्डिंग द मॉड्यूल वाइज कैटेगराइजेशन तो मॉड्यूल वाइज कैटेगराइजेशन में आप नोट कर लीजिए डी सी ई बी ए एट इज गोइंग टू बी ऑर प्रायोरिटी जब आप मॉड्यूल वाइज पढ़ने वाले हैं एंड फर्दर जब मॉड्यूल भी हम खोल कर देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो उन चैप्टर वाइज की क्या प्रायोरिटी रहेगी इसको भी अभी देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले बात करने वाले हैं मॉड्यूल डी के चैप्टर वाइज प्रायोरिटी के बारे में तो चैप्टर प्रायोरिटी की देखें तो मॉड्यूल डी में आपके पास रहते हैं चैप्टर इलेवन टर्टीन एंड एंड यहां पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है चैप्टर इलेवन की जो कि रिलेटेड है विद द एक्सपोर्ट फाइनेंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसमें फोर्टीन मार्क्स तक आप क्वेश्चन जो है यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज ट्वेल्थ इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं जो भी चीजें रहेंगी यहां पर ट्वेल्थ चैप्टर में कवर रहेंगी इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं नाबार्ड स्कीम्स हैं वो भी यहां पर कवर आपको करनी है फर्दर जो थर्ड चैप्टर है यहां पर डेट इज अ रिटेल लोन्स जो रिटेल लोन से रिलेटेड है तो यहां पर चार मार्क्स तक के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सो एक्सपोर्ट फाइनेंस को यहां पर डीप स्टडी करना उसके बेसिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है

जो भी एडवांटेजेस हैं बैंक के लिए जो भी स्कीम्स हैं चाहे वो लेटर ऑफ क्रेडिट है बायर्स क्रेडिट है सप्लायर्स क्रेडिट है बैंक गारंटी है बिल परचेज डिस्काउंटिंग है या फिर को सभी इसमें शामिल हैं तो डैट मेक्स इट अ रियली रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आप अगर कंपेरिजन वाइज देखें तो टेंथ चैप्टर जो है वो एक्सपोर्ट फाइनेंस जितनी क्वालिटी नंबरिंग वाइज रखता है ठीक है तो फोर्टीन चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है

जहां पर फिफ्टींथ चैप्टर यानी कि जो टाइप्स ऑफ चार्जेस से रिलेटेड चैप्टर है दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड यहां से आपको सात मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे देन इट इज डॉक्यूमेंटेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पांच मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हैं सिक्सटींथ सेवनटीन की कंबाइंड हमने परसेंटेज रखी है ऑफ फाइव मार्क्स ओवर है एंड आफ्टर दैट मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर डेट इज सिक्स चैप्टर इन दोनों को मिलाकर जो टोटल है दैट इज फाइव मार्क्स ओके एंड देन फेयर प्रैक्टिस

तो चैप्टर सेवन जो है इज रिलेटेड टू एनालिसिस एनालिसिस ऑफ ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो में जो आपका बैलेंस शीट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट रहेगा एंड फर्दर जो आपके पास रेशियो एनालिसिस है अगेन अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहां पर यह चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है देन आफ्टर प्रोजेक्ट अप्रेजल और टर्म लोन अप्रेजल अगेन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज वाइज देखें सो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके काफ़ी टॉपिक्स हैं लाइकवाइज एन पी इसके बाद जो ब्रेक इवन पॉइंट है सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया फाइनेंशियल अप्रेजल वगैरह जो भी आपके बेसिकली प्रोजेक्ट अप्रेजल से रिलेटेड टर्म्स है लाइक वाइज टेक्निकल अप्रेजल कमर्शियल अप्रेजल मैनेजरियल अप्रेजल फाइनेंशियल अप्रेजल एनवायरमेंटल अप्रेजल ठीक है तो ये सभी चीज़ें इसमें यहाँ पर कवर है एंड एक थ्योरेटिकल यूनिट है ज्यादातर सिर्फ ब्रेक वगैरह के केस में या फिर एन पी वे आर केस में आपको कुछ एक जो है न्यूमेरिकल यहाँ पर प्रॉब्लम मॉड्यूल ए की यहां पर हमने कोई भी bifurcation नहीं की है लेकिन मॉड्यूल ए में अगर हम चैप्टर वाइज बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मॉड्यूल ए को हमने टोटल नंबर्स असाइन किए हैं नौ नंबर तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट वन है डाटा रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ बोरवर्स हैं या फिर टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज हैं इसके अलावा जो क्रेडिट अप्रेजल एंड रेटिंग है सो दीज आर सम ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम दिस तो मॉड्यूल ए में छह चैप्टर है लेकिन इसका जो परसेंटेज कवरेज है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेट इज लेस ओके अब इसके बाद बात आती है कि हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी सी पी हाउ टू प्रिपेयर फॉर सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल सो एक तो आपके पास मेथड है कि बुक्स के थ्रू आप पढ़ें ताकि आपको डीप नॉलेज मिल सके बट इट इज इट इजियर टू गो थ्रू बुक डेट्स ऑल्सो वेन इट इज हैविंग 800 पेजेस तो क्या 800 पेजेस की बुक को पढ़ना आसान है एंड फर्दर आप एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए क्या ये पॉसिबल है इट इज पॉसिबल लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय चाहिए आपके पास एम्पल टाइम होना चाहिए ताकि आप बुक्स को अच्छे से गो थ्रू कर पाए एंड अच्छे से पढ़ पाए अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है ऑल्टरनेटिव इज टेलर्ड वीडियो कोर्स जहां पर आपको सीसीपी कोर्स के हिसाब से

जो वीडियोस पर रहेंगे कोर्स में डेट वुड बी हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज जिस तरह से इस वीडियो का कंटेंट रहा है उसी तरह से वीडियोस रहेंगे सो ट्वेंटी एट so आवर्स प्लस की जो वीडियो कंटेंट है वो कवर रहेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी कोई अपडेट आएगा वी विल बी अपडेटिंग द वीडियोज सेल्फ तो वीडियोज आपकी अपडेट होती रहेंगी एंड यहां पर आपको साथ में मिलते हैं प्लस क्वेश्चन जो बेसिकली प्रीवियर क्वेश्चन रहेंगे दट वुड बी कवर इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट एंड इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो छह महीने की रहने वाली है यानी कि छ महीने तक आप अपने मोबाइल से लैपटॉप से पीसी से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं इवन मोबाइल में आप वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑफलाइन एंड आसानी से ऑन द गो वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द वीडियो कोर्स इट सेल्फ